जय हिंद दोस्तों। जितने भी मेरे एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों के मन में एक डाउट रहता है फॉर्म भरते ही या फिर अभी सिलेक्शन से पहले ही मन में एक डाउट रहता है कि पेमेंट कितना मिलेगा एसएससी जीडी में। तो चलिए आपको डाउट को विद प्रूफ क्लियर करते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में आपको कितना पेमेंट मिलेगा और ट्रेनिंग सेंटर के बाद, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको कितना पेमेंट मिलेगा यूनिट जाने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा रहा, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा पेमेंट पे स्लिप है ट्रेनिंग सेंटर का। अभी तक मैं रखा हूँ, मेरा फर्स्ट पेमेंट है तो इसके लिए मैं अभी तक इसको रखा हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको इसमें कि आपको क्या क्या मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक आप लोगों का 21,700 है, तो बेसिक 21,700 आपको मिलेगा। डी ए अभी बढ़ा के 42% कर दिया गया है, तो अभी के अनुसार आपका डी ए जो है 9,114 रुपया हो जाएगा। और टीपीटी आपको 1,800 रुपया मिलता है, और टीपीटी डी ए ऑन टीपीटी जो है वो आपको बन जाएगा 756 रुपया। और मुआवजा घर जिसे बैरक अलाउंस बोलते हैं वो 1,800 रुपया आपको बनेगा, और राशन का 3,900 रुपया आपको मिलेगा, लगभग 3,900 के आसपास। तो ये रहा आपका टोटल, हो जाएगा 39,070 रुपया आपका पेमेंट बन जाएगा ट्रेनिंग सेंटर में ही, जिसमें से आपका जो है राशन का जितना भी कटिंग आएगा 3,000, 3,200, 3,500 जितना कटिंग आ जाएगा तो राशन का वो कट जाएगा आपको, और एनपीएस का लगभग 3,000 के आसपास, 2,800, 2,900, 3,000 इतना आपको एनपीएस का कट जाएगा। और ये रहा आपका ट्रेनिंग सेंटर का पेमेंट। ट्रेनिंग सेंटर में आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन हाँ, ट्रेनिंग सेंटर के बाद जैसे ही आप यूनिट जाओगे तो सभी के पेमेंट में जिसका जैसा यूनिट रहेगा वैसा डिफरेंस हो जाएगा। अगर हार्ड यूनिट रहेगा तो आपको उसका हार्ड सिप अलाउंस मिलने लगेगा, तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा सभी के सैलरी में एक दूसरे के। तो हार्ड सिप अलाउंस के मैं बारे में मैं बता देता हूँ कि हार्ड सिप अलाउंस जो है 7,000 से लेके 9,000, 15,000, 18,000 और 21,000 है। जैसा जैसा हार्ड सिप अलाउंस है, जैसा जैसा यूनिट का है, सब यूनिट का अलग अलग है, तो उस अनुसार आपका पेमेंट में जो है डिफरेंस हो जाएगा एक दूसरे के पेमेंट से। लेकिन आपको ट्रेनिंग सेंटर में, चाहे सीआईएसएफ हो, एसएसपी हो, सीआरपी हो, सभी का ट्रेनिंग सेंटर में पेमेंट सेम ही रहता है, और ट्रेनिंग सेंटर के बाद जो है सभी का पेमेंट में डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को जॉब से रिलेटेड मैं हर जानकारी इस चैनल पर देते रहूँगा। जय हिंद।